सुरक्षा बनाए रखने के लिए पटना पुलिस व रैपिड एक्शन फोर्स ने पटना सिटी के आलमगंज थाने से फ्लैग मार्च निकाला, जो विभिन्न इलाकों से होता हुआ मालसलामी थाना क्षेत्र से लेकर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र तक भ्रमण किया। पुलिस की माने तो अभी त्यौहार का समय है और इस त्यौहार को शांतिपूर्ण और भयमुक्त होकर लोग मनाएं, इसके लिए पटना पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस के जवान संवेदनशील इलाकों में घूमकर संदिग्ध लोगों पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। वही पुलिस का कहना था कि कोरोना महामारी को लेकर दिए गए गाइडलाइंस के अनुसार मुहर्रम का पर्व अपने घरों में ही मनाए और नियम का पालन करे। मुहर्रम पर्व को लेकर आज जो है मालसलामी थाना से लेकर और सुल्तानगंज थाना तक जो है फ्लैग मार्च किया गया है। सभी जगह शांति है, सभी लोग एक सिंबॉलिक रूप से सभी मना रहे हैं, अपने पर्व को घर लेकर मना रहे हैं। हम लोग एहतियातन तौर पर चारों ओर घूम घूम कर लोगों को संदेश भी दे रहे हैं कि कोरोना महामारी काल में घर पर रहकर इस पर्व को खुशीपूर्वक उल्लासपूर्वक इस पर्व को मनाए। लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार दौरा कर कहे अखाड़ा उखाड़ा या किसी तरह का जुलूस? हाँ, सभी जगह घूम घूमकर पुलिस जो है अपने अपने देखाई हर थाना थाना अध्यक्ष शामिल है इसमें, और सलामी थाना अध्यक्ष चौक थाना अध्यक्ष इसमें शामिल है। अपने अपने जहाँ जहाँ लगता है कि यहाँ यहाँ घूमने का अपेक्षा है, सभी जगह पर विभिन्न स्थानों पर मत कराया गया है। या खाना निकलने का भी कोई सूचना है? सभी लोगों को जो सिया बकरोड का और चीनी बकरोड का जो आदेश है, उन सरकार का आदेश है, उसका अनुपालन सभी लोग कर रहे हैं। सभी लोगों ने कहा है कि हम किसी प्रकार का या खाना नहीं निकालेंगे, शांतिपूर्वक एक सिंबॉलिक रूप से इस पर्व को घर पर रखकर मनाते हैं। बाहर के प्रशासन के बाद कितने लोगों को सूचित किया गया? हमारे खाना न्यूज कंपनी को सूचित किया गया है, जिसमें लगभग 120 फोन से हैं, बताया थे फोन से जिला स्तर से भी काफ़ी संख्या बिहार झारखंड का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल अब सिर्फ एक क्लिक पर।